बांग्लादेश में हर घंटे हिंदुओं की जान जा रही है, लेकिन उनकी चीख दरअसल कोई सुन नहीं रहा है। बांग्लादेश की यूनेस सरकार खुद ही कट्टरपंथियों के इशारे पर चल रही है। उनसे हिंदू पहले ही कोई उम्मीद नहीं रखते। दुनिया की यूएन जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो मानवाधिकार के लिए काम करने का दावा तो करती हैं, वो भी इस मुद्दे पर साइलेंट हैं, खामोश हैं। ऐसा लगता है मानो बांग्लादेश की हिंदू हेट स्टोरी अभी बिना रुके चलती रहेगी। बांग्लादेश के ठाकुर गांव से कट्टरपंथियों की हिंदू हेट स्टोरी के सबूत आ रहे हैं। एक महिला चीख चीख कर खुद पर हुए जुल्मों की कहानी बता रही है। इनका घर उन लोगों ने जला दिया जो बांग्लादेश के हिंदुओं को वहां से भगाने या फिर मार डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठाकुर गांव से 450 किलोमीटर दूर ब्राह्मण बरिया जिले में एक हिंदू लड़के की लाश मिली। परिवार का आरोप है कि उस लड़के के मुस्लिम दोस्त उसे लेकर गए थे और बाद में हिंदू लड़के की लाश सामने आई। बांग्लादेश के हिंदू इतने डरे हुए हैं कि वो मुंह खोलने तक को तैयार नहीं। 11 अगस्त को इस हिंदू महिला के साथ गैंगरेप हुआ और अब जाकर ये मामला सामने आया है। बांग्लादेश की पुलिस भी आंदोलन करने वाले कट्टरपंथियों का साथ दे रही, इसलिए कोई FIR तक दर्ज नहीं हुई। ऐसी कहानियां बांग्लादेश के हर इलाके से सामने आ रही। सिर्फ हिंदू ही नहीं, हिंदुओं का साथ देने वाले शेख मुजीबुर रहमान की म्यूजियम को भी नहीं बख्शा गया। जो दंगाई हिंदुओं को मार रहे हैं, उसी भीड़ ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति की निशानियों को भी मिटाने की कोशिश की। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले और बांग्लादेश के लिए लड़ाई लड़ने वाले शेख मुजीबुर रहमान जो म्यूजियम है वो अब जलकर खाक हो गया है। ये पीछे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जी मीडिया वहाँ पहुँच गया है। बांग्लादेश में बवालकारियों ने क्या किया, प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण के प्रदर्शन को लेकर आग किस कदर भड़की, ये आप तस्वीर देखिए। बेस्कीम थी, महंगी महंगी जो कारें जो शेख मुजीबुर रहमान म्यूजियम में रखी हुई थी पीछे, वो प्रदर्शनकारियों ने किस तरीके से इन्हें आग के हवाले कर दिया, सब कुछ जला दिया। ये म्यूजियम है, म्यूजियम को राख बना दिया, खाक बना दिया, बांग्लादेश की विरासत को बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं बचा है। ढाका के इस म्यूजियम के हर कोने में जी मीडिया का कैमरा पहुंचा। जैसा अत्याचार बांग्लादेश के हिंदुओं पर हुआ, वैसे ही नफरत के निशान शेख मुजीब म्यूजियम के हर कमरे में दिख रहे हैं। शेख हसीना के रेजिग्नेशन के बाद सबने तस्वीरें देखी होंगी कि जो यहाँ के लोग हैं, प्रदर्शनकारी हैं, वो लूटपाट करने के बाद सामान को ले जा रहे थे। इस म्यूजियम को भी आग के हवाले किया गया, इससे पूरी तरीके से बर्बाद किया गया और जो ठीक लगा वो प्रदर्शनकारी यहाँ से ले गए। हम वहाँ तक तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ तक मुमकिन होगा। ये कभी विरासत हुआ करता था, अब सब कुछ बर्बाद नजर आ रहा है। और जब प्रदर्शनकारी यहाँ से रवाना हुए तो दीवारों पर वो कुछ लिखकर भी गए, वो अपने आतंक की इंतहा की इबारत ये म्यूजियम बयां कर रहा है। वो तस्वीरें भी देखिए, आगजनी और लूटपाट करते बांग्लादेशी जो आंदोलनकारी थे और अब सब कुछ आग के बाद राख और खाक हुए। वो म्यूजियम जो कभी इस देश की विरासत हुआ करता था, जिन्होंने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। आग और धुएं के निशान अब भी शेख मुजीब के म्यूजियम की दीवारों और छतों पर दिख रहे हैं, जिसे जलाकर राख कर दिया गया है, मिट्टी में मिलाने की कोशिश हुई। कुछ ऐसा ही हाल बांग्लादेश के हिंदुओं का है और इन दोनों पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ढाका से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये वो पीड़ा है, ये वो तकलीफ है जो हम आपको बांग्लादेश से ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए इस वक्त दिखा रहे थे। और मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा इस वक्त बांग्लादेश में हैं और वो हम तक लगातार ग्राउंड रिपोर्ट भेज रहे हैं कि आखिर क्या बीत रही है बांग्लादेश के उन अल्पसंख्यकों के ऊपर जिनके खिलाफ हिंसा की जा रही है। उनका कोई दोष नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन बावजूद इसके चूंकि एक आंदोलन उठा, नाम था उसका छात्र आंदोलन, और उसके बाद वो आंदोलन बदल गया हिंदू विरोधी आंदोलन में। ऐसा क्यों हुआ और वहां की सरकार भी अभी इस स्थिति में नहीं है, वहां की जो अंतरिम सरकार है
जो उनके लिए कोई कदम उठा सके। सिर्फ बातें कही जा रही हैं, काम कोई जमीन पर दिख नहीं रहा है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर धीरज कौल हैं, अमेरिका से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नेहा पंत जी हैं जो इस वक्त अमेरिका से हैं। मैं डॉक्टर धीरज कौल आपके पास आना चाहता हूं इसी सवाल के साथ कि चाहे कश्मीर हो, आप लोगों ने तो वो दंश झेला है कश्मीर में रहते हुए, चाहे कश्मीर हो या दुनिया का और कोई भी देश, अगर सामूहिक हिंसा का शिकार हिंदू होते हैं तो फिर दुनिया के लोग उनको अपना समझकर उनकी आवाज जो है बुलंद नहीं करते हैं। इसके पीछे आप क्या देखते हैं? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसा कि आप बिल्कुल सही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि मिनोरिटीज के साथ एट्रोसिटीज बांग्लादेश में करेंटली इज अ वेरी सीरियस कंसर्न। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर वायलेटेड देयर सिविल राइट्स और काफी रेप्स और लूट एंड फाइनेंशियल क्राइम की न्यूज हमें वहां से मिल रही है। हमारे खुद के कई जान पहचान के लोग हैं जो हिंदू मूल के हैं और उनके फैमिली मेंबर्स बांग्लादेश में हैं, विच फील वेरी थ्रेटन्ड फॉर देयर लाइव्स। तो ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन है क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र नेपाल और भारत कुछ ही ऐसी जगहें हैं जहाँ पे असाइलम हिंदूज को मिलता है। और इस टाइम माई हार्ट गोज टू द फैमिली मेम्बर्स ऑफ पीपल जिनके लव्ड वंस आर लिविंग ओवर देयर। और जैसे कि आप अभी जानते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल है वहाँ पे, और आई एम डायरेक्टली इन टच विद कपल ऑफ माय फ्रेंड्स जो डॉक्टर्स हैं और उनकी फैमिली वहाँ पे है। और अभी फ्लडिंग जो कि आप देख रहे हैं रिसेंटली बांग्लादेश में आई है, उससे फर्दर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिटोरिएशन होने का बहुत बड़ा खतरा है। फूड और सप्लाईज, मेडिकल सप्लाईज की बड़ी किल्लत अभी आ रही है। और क्योंकि मैं कई एनजीओज के साथ भी जुड़ा हूँ जो कि हेल्थ केयर रिलीफ में काम करती हैं अक्रॉस द ग्लोब, तो इस करंट क्लैमिटीज की वजह से जो कि ग्लोबल वार्मिंग से फ्लडिंग हम लोग देख रहे हैं, उससे और चीज़ें खतरनाक होने की बहुत ही बड़ी आशा है। लेकिन जो इंटरिम गवर्नमेंट है करेंटली नहीं लग रहा कि वो इसके ऊपर कुछ रोक लगा पा रही है। और अभी तो रिसेंटली यूएन की रिपोर्ट आई है जिसके अंदर ये कंसर्न्स रेज किए गए हैं कि मिनोरिटीज़ की लाइफ का प्रोटेक्शन कोई भी सरकार हो, बेशक इंटरिम हो, उसकी पूरी जिम्मेदारी है। क्या वो सरकार ये जिम्मेदारी उठाने के सक्षम है या नहीं, ये अभी कुछ ही दिनों में और क्लियर होगा। जी, ये यकीनी तौर पर बात है। हमारे साथ इस वक्त कुछ और मेहमान जुड़ गए हैं। हाफिज गुलाम सरबर इस वक्त हमारे साथ हैं, जुनैद हारिस इस वक्त हमारे साथ हैं, हाजिर खान जी हैं, डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब हैं और सैयद जब्बाद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले हाजिर खान साहब, सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि इस देश के बहुत से हिंदुओं ने यह ट्रेंड कराया कि ऑल आईज ऑन रफा, बुनियाद क्या थी? उन लोगों के साथ मानवीयता नहीं की जा रही, उनके खिलाफ अत्याचार किए जा रहे हैं। बांग्लादेशियों में, बांग्लादेश में खासतौर से हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके खिलाफ आप लोग कब ट्रेंड कराएंगे ऑल आईज ऑन हिंदूस? देखिए राम मोहन शर्मा जी, मानवता, इंसानियत अगर किसी मानव के अंदर है तो जो बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश के लोग शेख हसीना के चक्कर में उन्होंने बांग्लादेश की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया, लेकिन अब मोहम्मद यूसुफ साहब की सरकार बनी है तो सरकार की और बांग्लादेश के लोगों की अपने मुल्क में शांति बनाना, अपने मुल्क के लोगों के साथ अच्छा मामला करना, अपने मुल्क की प्रॉपर्टी को न जलाएं, बल्कि मानवता की बात यह है कि 130 करोड़ हिंदुस्तानी जो बांग्लादेश में रहते हैं वो हमारे भी भाई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का पार्ट है बांग्लादेश पाकिस्तान। और इसलिए भारत के लोगों को फिक्र होती है इस बार की, हमारे यहाँ के हिंदू और मुसलमान इस बात की चिंता करते हैं कि बांग्लादेश के एक एक आदमी, एक एक मानवता की वो रखने वाले की जिम्मेदारी बनती है कि बांग्लादेश के हिंदुओं की मदद भी करें, उनके लिए दुआएं भी करें और सरकार से अपील करते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी, वहाँ हिंदुस्तानी नहीं किसी को मार रहे, वहाँ पाकिस्तानी नहीं मार रहे, वहाँ चाइनीज नहीं मार रहे, वो बांग्लादेश के लोग आपस में नफरत की, घृणा की पात्र हैं और वो बांग्लादेशी में रहने वाली जो शेख हसीना की सरकार के लोग उन्हें मार रहे हैं। जाना पड़ेगा कि वो क्यों है। मैं आता हूँ आचार्य विक्रमादित्य, एक मिनट जी, मार रहे हैं इसराइल मुसलमानों को मार रहा है आचार्य, बट जब बांग्लादेश में हो रहा है तो ये कहेंगे कि बांग्लादेश में बांग्लादेशियों को मारा जा रहा है। ये खुल के क्यों नहीं बोलते कि वहां पे हिंदुओं का
हिंदुओं को मारा जा रहा है। आप जैसे फेक चेकर्स देख रहा था, मैं फेक चेकर्स देख रहे थे कि एक मेला चल रहा है और उसको फेक किया जा रहा है। सुनिए सुनिए, आप जानते हैं नहीं, सुनते हैं नहीं, गलत बात बयान नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ कि वो कह रहे फेक चेकर वहाँ पर जो है बंगाली जो है शेख हसीना के लोगों को मार रहे, नेताओं को भी मार रहे और हिंदुओं को भी मार रहे। हिंदुओं के साथ इतनी बड़ी नहीं हो रही, जितना प्रचार किया जा रहा है। क्या बता रहे हैं आप, क्या बता रहे हैं, इतना बड़ा नहीं हो रहा है, कितना बड़ा हो रहा है। मुझे लेके आने दीजिए, हीरोइन के घर दिखा रहे हैं, वो घर नहीं जला और आप दिखा रहे हैं घर जल गया। ऐसी घृणा फैलाने वाले चाहे शेख चेक कोई भी हो, वो गलत फैला रहे हैं। हम ये कह रहे हैं मुझे कर भी आप हैं कमाल जुनेदार है, जुनेदार है। बांग्लादेश के हर एक नागरिक को जी जी एक मिनट, 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 ए